अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमाम सईद बात कर रहा हूँ। और कल हम लोग शिकार पर आए थे और मेरा नाम इमाम सईद है। फैसल अरब जो हमेशा मेरे साथ होते हैं, और जो किनारे दोस्तों वो मंजार गोट है जहाँ पे हम पहले कई दफ़ा आए। और पहले आपको आज की तारीख बताऊँ, 11वां महीना चल रहा है नवंबर का और आज 12 तारीख है, जुम्मतुल मुबारक है। तो कल रात को हम लोग आए थे और काफ़ी ठंड थी यहाँ पर, क्योंकि नवंबर दिसंबर ठंड का महीना होता है। और फैसल ने अभी एक छोटा दाना निकाला है और ये दंदिया है, ठीक है दोस्तों, वाइट दंदिया। तो कल शिकार पे हम लोग आए, बहुत ठंड थी, हम लोग सो गए। अभी सुबह हम लोग उठे दोनों दोस्त और पानी जो है वो तकरीबन जो है वो थोड़ा बहुत चढ़ा हुआ है। तो यहाँ कुछ मंजार गुट के बच्चे भी खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, एक सबसे जो अमेजिंग बात है, जो सबसे अजीब और गरीब बात है, मैं आप दोस्तों को वो बात बता रहा हूँ कि हम लोगों ने खाली झींगा लाया था। आइस बॉक्स आपको दिखाता हूँ सबूत के साथ कि इसमें हमारे पास सिर्फ झींगे पड़े हुए हैं, ठीक है। और हमने झींगे सुबह लगाए और दोस्तों किनारे के ऊपर, मंजार गोट के किनारे के ऊपर झींगे के ऊपर मेरे को 2 से 2.5 किलो का ये जीरा लगा है, जिसको जीरा कहते हैं। और वाइट कुंड इंग्लिश में इसको बाराकूडा कहते हैं, वाइट बाराकूडा, और उर्दू में हम इसको कहते हैं वाइट कुंड। और आप अभी देख रहे हैं ये अभी भी जिंदा है और अभी अभी मुझे झींगे पर लगा है। तो मैं इतना उछला हूँ इस पहाड़ के ऊपर, और मैंने फैसल को भी ये बात बोली और गाँव के 2 बच्चे भी खड़े हुए हैं, मैंने उनको बोला झींगे के ऊपर, छोटे झींगे के ऊपर ये जीरा यानी वाइट कुंड 2.5 किलो का दाना, 2 से 2.5 किलो का दाना, बहुत ही अनोखी बात है दोस्तों। और जब मेरे को ये लगा है, मैं उछल रहा था और मेरी डोर जब मेरे हाथ से छीन रहा था ये, और डोर पत्थरों में लेके घुस गया। तो मैं परेशान, मैंने फैसल को बोला यार फैसल कोई अजीब सा काम हो गया, पता नहीं कोई बड़ी चीज लग गई है, लेकिन मैं हैरान हूँ झींगे में बड़ी चीज कैसे लग गई। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही नायाब है, और आप दोस्तों को मेन चीज़ जो बताने की वो ये है कि शिकार करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, आज तक कभी झींगे के ऊपर किसी किनारे पे 2 से 2.5 किलो का वाइट कुंड मैंने नहीं पकड़ा। तो ये अभी तक मुझे हंसी आ रही है और फैसल भी हंस रहा है, और यकीन ही नहीं आ रहा है कि अल्लाह ताला ने क्या छीन दे दिया। और यहाँ पे मैं सोया हुआ था और फैसल ने भी मुझे आवाज़ दी, तो हम दोनों पूरी रात सोते रहे थे, ठंड बहुत ज़्यादा थी। और सुबह उठने के साथ अल्लाह ताला ने जो तोहफा दिया वो मतलब नाकाबिले बयान मेरे आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों नायाब हो गया, मतलब जितनी तारीफ की जाए आज तो यकीन नहीं आ रहा कि कैसे लग गया। तो बहरहाल अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा था, तो मैंने सोचा दोस्तों को आप वीडियो बना के दिखाऊं। और बहुत से मंजार गोट अच्छा गोट है, हमेशा अच्छा शिकार लगता है, बच्चे भी खड़े हुए, फैसल ने अभी एक वाइट दंजिया भी निकाला है। तो अभी हम वो ट्राई करते हैं और जो भी नसीब में होगा फिर आप दोस्तों से शेयर करूँगा। आप लोग अपना ख्याल रखना, अस्सलाम वालेकुम वरहमत। और ख़ास तौर पर ये वीडियो मैं अपने 2 दोस्तों को दिखाऊँगा, एक मेरे मस्कत में होते हैं जिनका नाम ताहिर है, जो कहते हैं किनारे पर बड़े दाने लगते नहीं है। तो ये उनके लिए एक सबूत के साथ वीडियो है, क्योंकि अभी ज़िंदा है बिल्कुल ये वाइट बाराकूडा। तो उनको दिखाऊंगा ये वीडियो, उन्होंने भी आज तक मस्कत में किसी किनारे पे ऐसा दाना नहीं पकड़ा। और एक मेरे दोस्त हैं, उनका नाम है अली और सनो के नाम से मशहूर है, उनको भी ये वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि उनका भी मानना है किनारे पे इतने बड़े दाने, वो भी झींगे पे। ये तो मैं भी नहीं मानता था, लेकिन आज बहरहाल मुझे भी ये बात माननी पड़ेगी कि झींगे पे दाना निकला है। तो ठीक है दोस्तों, आपको अपना ख्याल रखना, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।